हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बनाएंगे ब्रेड का बहुत ही अच्छा और इजी ब्रेकफास्ट, जो कि 5 मिनट में बनके तैयार हो जाएगा। देखिए देखने में कितना अच्छा लग रहा है, और ये यकीन मानिए ये बहुत ही अच्छा और यमी होगा। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। इसके लिए मैंने लिया है पनीर, टमाटो, कैरेट, कैप्सिकम, और ये रेड बेल पेपर है, और ये बीन्स है जिनको मैंने बारीक बारीक चॉप कर लिया है सारी सब्जियों को। और मसाले में यूज़ होगा हल्दी, मिर्च, जीरा, नमक अकॉर्डिंग टू टेस्ट। तो चलिए हम बनाना स्टार्ट करते हैं। मैंने फ्राई पैन को गैस पे रख दिया है गर्म होने के लिए। इसमें मैंने थोड़ा सा ऑलिव ऑयल डाला है। इसमें मैं डालूँगी हींग, हींग से टेस्ट बढ़ जाता है। सो उसके बाद मैं डालूँगी राई। इसको कुछ सेकंड के लिए होने देंगे। अब मैंने इसमें डाले हैं कॉर्न, जो मैंने गर्म पानी में भिगो के रख दिए थे थोड़ी देर पहले। मुझे ये बहुत अच्छे लगते हैं स्वीट कॉर्न, सो मैं इसमें डाल रही हूँ। ये आपके अकॉर्डिंग है कि आपको अगर अच्छे लगते हैं तो आप डालिए, ये आपके टेस्ट के अकॉर्डिंग है। आप चाहे तो इसे स्किप भी कर सकते हैं। ये भी अच्छे से हो गए हैं, देखिए। अब मैंने इसमें डाले हैं कड़ी पत्ता। एक्चुअली कड़ी पत्ता मैं डालना भूल गई थी, सो इसलिए मैं अभी डाल रही हूँ। कड़ी पत्ते से भी टेस्ट बहुत अच्छा हो जाता है, और आप ये खाएंगे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। ये नाश्ता बहुत ही अच्छा और यमी बनने वाला है, और सिर्फ 5 मिनट में तैयार होने वाला है। अब मैं इसमें सब्जियाँ डालूँगी। अब मैं पनीर डाल रही हूँ, इसको अच्छे से मिक्स कर लूँगी। मैं सारी सब्जियां एक साथ नहीं डालूंगी, मैं एक एक करके सब्जी डालूंगी ताकि वो अच्छे से मिक्स हो जाए। अब मैंने इसको अच्छे से मिला लिया है। सो अब मैंने डालनी है बीन्स। अब मैं इसको भी अच्छे से मिला लूंगी। अब मैं डालूंगी रेड कैप्सिकम। अब मैं इसको भी अच्छे से मिला लूंगी। अब मैं ग्रीन कैप्सिकम डाल रही हूँ, इसको भी मिला लूंगी। उसके बाद मैं कैरेट और टमाटो डालूंगी। आप एक एक करके सब्जी मिलाएं और इनको अच्छे से मिला लें। ताकि आपकी सब्जी अच्छे से मिक्स हो जाए और ये खाने में भी बहुत अच्छी। देखिए सब्जी का कलर कितना अच्छा लग रहा है। अब मैंने टमाटो भी डाल दिया है। ऑलमोस्ट मेरी सारी वेजिटेबल्स जो हैं मैंने इसमें डाल दी हैं। अब मैं इनको अच्छे से मिला लूँगी ताकि अच्छे से फ्राई हो जाए। अब मैं इसमें डाल रही हूँ 1 चम्मच नमक। लाल मिर्च, आपको अगर स्पाइसी पसंद है तो आप ज़्यादा लाल मिर्च डालिए, अदरवाइज आप कम डालिए। मुझे स्पाइसी अच्छा लगता है तो मैंने 1.5 चम्मच के करीब डाला है। थोड़ी सी हल्दी, अब मैंने इसको अच्छे से मिला लिया है। कुछ सेकंड के लिए मैं इसको मिलाऊंगी। अब मैंने इसमें डाला है गरम मसाला, चाट मसाला, अब ये ब्रेड के पीस हैं जो मैंने इनको पीसीज में काट लिया है। अब मैं इसमें अच्छे से इसको मिला दूंगी। ये करीबन 7 से 8 ब्रेड होगी जो मैंने इनको पीसीज में काट लिया था। मैं इनको अच्छे से मिला लूँगी।
ये है लेमन जूस, मैं इसमें एक लेमन जूस डाल रही हूँ। देखिए कितना अच्छा लग रहा है, और यकीन मानिए बहुत ही यम्मी होगा, आप इसे एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मैं इसको सिर्फ 2 मिनट के लिए ढक के छोड़ रही हूँ ताकि ये अच्छे से हो जाए। देखिए ये हमारा तैयार हो चुका है। वाओ, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर।